अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग थॉमस हलकोस सेक्शन 3.8 के क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व कर चुके हैं, कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 को आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। स्टेटमेंट वाइज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था लेकिन मैं आपको ईजी करके दिखाऊंगा और आपको इजीली समझ आएगी, इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं अभी तक आपने लाल बटन को प्रेस नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। उसमें कहता है जी डायगोनल्स इफ एक्स वाई एंड जी आर लेंथस ऑफ एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, the common length of the box diagonal is s is equal to square root of x square plus y square plus z square, उसने आपको दिया हुआ है। इसके अंदर उसने आपको a और b part I think दिया हुआ है, देख लेते हैं जी, a b और c part, तीन part उसने आपको दिए हुए पूछे हुए हैं। a part में कहता है जी assuming that x y and z are differentiable function of t, how is ds by dt related to dx by dt, dy by dt and dz by dt। कहता है जी सबसे a part में ds by dt को इसका derivative लें, इसको find करें और इसको बाकियों से रिलेट करें। तो हम लोग सिंपल इसमें क्या करेंगे, ds by dt निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको मुझे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई करने से ये होगा कि हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, डेरिवेटिव इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर लेता हूं तो ये बनेगा मेरे पास एस का स्केयर विच इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्केयर लिया तो स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। अब मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेता हूँ टी की रिस्पेक्ट से, उसने मैं बोला हुआ है तो लेता हूँ जी इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ एस स्केयर का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पावर रूल, पावर रूल में क्या होता है जी पावर पीछे आ जाती है, बनेगा टू एस और डी एस बाय डी टी विच इज इक्वल टू इसका बनेगा डेरिवेटिव टू एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस उसके बाद है जी टू वाई डी वाई बाय डी टी प्लस जेड स्केयर का लेंगे तो टू पीछे आ जाएगा टू जेड और डी जेड बाई डी टी बन जाएगा। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, अगर मैं यहां से टू कॉमन लेता हूँ क्योंकि सबके अंदर टू मौजूद है, अगर मैं टू को कॉमन लेता हूँ तो ये भी यहाँ पे भी टू मौजूद है, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो टू यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा, खत्म कर देते हैं। तो ये बन जाएगा, रह जाएगा आपके पास एस डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू एक्स डी एक्स बाय डी टी प्लस वाई डी वाई बाय डी टी प्लस जी डी जी बाय डी टी। मैंने यहाँ से टू को कॉमन लिया, ये टू इस टू से कैंसिल हो गया, हमारे पास टू खत्म हो गया। अब देखें जी ds by dt को हमने इनसे रिलेट करना है तो ds by dt को एक साइड पे रहने देंगे, s को उधर लेके चले जाएंगे। अब s को उधर लेके जाता हूं तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, सबके साथ डिवाइड होगा, सबके बटे में आएगा जाके, तो ds by dt विच इज इक्वल टू देखें जी अगर मैं इसके साथ डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा एक्स बटे में एस को लेके जाता हूं, तो एस हमारे पास बेसिकली ये चीज है, तो एस की जगह पे हम यही चीज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है और साथ ही आ जाएगा जी डी एक्स बाय डी टी, तो उसके बाद प्लस फिर इसी तरह से वाई के बटे में भी एस इधर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई के बटे में भी आ जाएगा, तो लिखे यहाँ पे वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी वाई बाय डी टी प्लस फिर इसी तरह से जी के बटे में भी लिखे प्लस जी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट और डी जी बाय डी टी। यही है बेसिकली आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया सिंपल वे में। अब नेक्स्ट हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं और बी पार्ट में देखते हैं उसने हमें क्या पूछा हुआ है। बी पार्ट में देखें जी क्या कहता है, How is ds by dt related to dy by dt and dz by dt if x is constant? कहता है आपने x को constant रखना है और बाकी इसी तरह से आपने ds by dt find out करना है। तो देखिए अगर आप लोग x को constant रखते हैं तो फिर x वाला जीरो हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसी a पार्ट को लेके ही हम लोग चलेंगे और बहुत ही सिंपल वे में बिल्कुल वैसे का वैसे हम लोग करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे dx by dt को वाली टर्म को जीरो कर देंगे, बाकी हमारे पास वैसे का वैसे आंसर आ जाएगा। तो देखिए जी बी पार्ट में क्या कहता है, यहां पे हम लोग कर लेते हैं बी पार्ट के अंदर
कहते हैं जी हम इसी ए पार्ट को लेके चलते हैं, इसको हम पकड़ लेते हैं, ये हमारे पास है डीएस बाई डी डी, सारी हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है। कहता है जी बी पार्ट में आपके पास अगर एक्स कॉन्स्टेंट हो, देखिए अगर मैं एक्स को यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखता हूँ तो ये सारे की सारी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है ना, तो ये सारी की सारी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। जब कॉन्स्टेंट रखने से सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, तो लिख लें जी ये आपके पास बन जाएगा डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये सारी सारी जीरो हो जाएगी, ये बचेगी y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट डी वाई बाय डी टी प्लस, उसके बाद जी है जी जी ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट और डी जी बाय डी टी। ये थी बेसिकली आप लोगों के पास पार्ट बी, इसका फाइनल आंसर यही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके पार्ट सी की। पार्ट सी में देख लेते हैं जी आपको वो क्या कह रहा है, पार्ट सी में देखते हैं। हाउ आर डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी डी जी बाई डी टी डी टी एस इज कॉन्स्टेंट। पार्ट सी में कहता है जी एस को हमने कॉन्स्टेंट रखना है। एस आप बेसिकली आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एस है जी, इसको आपने कॉन्स्टेंट रखना है, बाकी इसको हल करना है। किसके लिए हल करना है, डी एक्स बाई डी टी के लिए हल करना है, डी वाई बाई डी टी और डी जी बाई डी टी इसको रिलेट करना है आपस में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरह कर लेते हैं, ये हमारे पास सिंपल चीज है, इसी के अंदर हम लोग एस को कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, एस को कॉन्स्टेंट करके सारे के सारे जीरो हो जाएगा, तो यहां से हम इजीली एक्स की डी एक्स बाई डी टी एक साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमें उसने बोला हुआ है कि आप लोगों ने सी पार्ट के अंदर डी एक्स बाई डी टी को इन बाकियों से रिलेट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अगर देखते हैं तो अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेता हूं, इफ एस इज कॉन्स्टेंट, अगर मैं एस को रखता हूं कॉन्स्टेंट तो ये तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस हमारे पास कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट रखने से। तो इधर आपके पास ये चीजें बच जाएंगी, एक्स डी एक्स बाई डी टी लिखे यहाँ पे, एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी प्लस जी डी जी बाई डी टी आ जाएगा। तो यहां तो इनको इधर ले आए, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे ये है कि बेसिकली आप डी एक्स बाई डी टी को रिलेट करना है, तो आप लोग इस तरह करेंगे सारी के सारी जो है ना वो इक्वेशन को x के साथ आप लोग डिवाइड कर दें, तो इस तरह कर रहे थे x के साथ अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा आपके पास जीरो, x का डिवाइड किया तो ये dx एक्स बाई डी टी रह जाएगा आपके पास, प्लस इसको x के साथ डिवाइड किया तो ये बन गया y ओवर x डी वाई बाई डी टी, प्लस ये बन जाएगा जी जी ओवर x डी जी बाई डी टी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं जी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। कहता है द एरिया ए ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी इनक्लोजिंग एन एंगल ऑफ मेजर थीटा इज ए इज इक्वल 1/2 ए बी साइन थीटा। ये उसने आपको दिया हुआ है, इसमें भी वो आपने सॉरी उसने आपको थ्री पार्ट दिए हुए, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। ए पार्ट में कहता है जी डी ए बाई डी टी फाइंड करें और उसको डी थीटा बाई डी टी से रिलेट करें अगर ए और बी आर कॉन्स्टेंट है, यानी कि ए बी में आप लोगों ने क्या करना है, ए पार्ट में क्या करना है, ए और बी को कॉन्स्टेंट रखना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, वो सिंपल है, शॉर्ट सा, बिल्कुल शॉर्ट सा हमारे पास, इसमें इसका डेरिवेटिव लेना टी की रिस्पेक्ट से। वो कहता है जी ए पार्ट के अंदर डी ए बाई डी टी लेना आप लोगों ने, आपने ए और बी को रखना है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आएगा, ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट वैसे का वैसे आ जाएगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है जी कॉस थीटा, और इस थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो टी की रिस्पेक्ट से ये बनेगा डी थीटा बाय डी टी। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट, हमने ए और बी को कॉन्स्टेंट रखा वैसे का वैसे लिख दिया, 1/2 भी कॉन्स्टेंट है वैसे लिखा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और थीटा का होता है डी थीटा बाय डी टी। ये हमारे पास इसका ए पार्ट क्लियर हो चुका है। बी पार्ट की बात करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कहते हैं जी बी पार्ट में जी, हाउ इज डी ए बाई डी टी रिलेटेड टू डी थीटा बाई डी टी एंड डी ए बाई डी टी इफ ओनली बी इज कॉन्स्टेंट। कहता अगर बी कॉन्स्टेंट रखे तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाले, वो देखते हैं जी बी कॉन्स्टेंट रखते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है इसके अंदर। तो ये बनेगा आपके पास डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू, सिर्फ हमने बी को कॉन्स्टेंट रखना, अगर मैं बी को कॉन्स्टेंट रखता हूं तो फिर ए और साइन थीटा बचेगा, देखें 1/2 बी कॉन्स्टेंट है तो इसको भी वैसे का वैसे लिख लिया, हमारे पास बचा ए और साइन थीटा, अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, लग गया प्रोडक्ट रूल, ए और साइन थीटा का प्रोडक्ट रूल लगाता हूं तो पहले ए वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी प्लस,
फिर हमारे पास साइन थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा, और ए का डेरिवेटिव होगा जी डी ए बाय डी टी, ये चीज हमारे पास बन जाएगी। अब इसको अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा जी आप लोगों के पास डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू 1/2, इसको इकट्ठा करें ए बी कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी प्लस 1/2 b साइन थीटा और डी ए बाय डी टी, दिस इज द आंसर ऑफ बी पार्ट। ठीक हो गया जी, हमने रिलेट करना था हमने कर दिया। अब हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं, साथ ही हम इसके बी पार्ट का आंसर भी देख लेते हैं जी, हमारे पास आंसर भी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। बी पार्ट में 1/2 ab कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस 1/2 b साइन थीटा डी ए बाई डी टी, जी बिल्कुल हमारे पास यही है। सी पार्ट में देखते हैं जी क्या कहता है, सी पार्ट में कहता है हाउ इज डी ए बाई डी टी रिलेटेड टू डी थीटा बाई डी टी इफ कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है। सी पार्ट में कहता है कि कुछ भी आपने कॉन्स्टेंट नहीं रखना हो, इसका डेरिवेटिव लें, इसको निकालें आपस में, इनको रिलेट करें। तो हम लोग देख लेते हैं जी क्या होता है यहाँ पे हमारे पास। सी पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, किसी को भी कॉन्स्टेंट नहीं रखना, तो ये फिर हमारे पास यहाँ पे दरअसल क्या बनेगा, देखें जी डी ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे तीनों में से ए है और ये बी है और ये साइन थीटा है, कहता है किसी को भी कॉन्सेप्ट नहीं रखना, तो फिर हम सारे के सारा सारी की सारी टर्म्स को हल करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आपके पास थ्री टर्म्स बन रही हैं, अब थ्री टर्म्स का डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो देर इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम एट ऑल, आई एम अवेलेबल हियर। मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्रोडक्ट रूल के हवाले से कि जब भी थ्री टर्म्स इस तरह से इकट्ठी आ जाएं तो उनको हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उनका डेरिवेटिव हम निकालते हैं प्रोडक्ट रूल के जरिए, और प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने लेक्चर अपलोड किया, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ, यहाँ पे आई बटन पे जाके आप लोग चेक करें, विजिट करें, लेक्चर लास्ट में देखें। यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली तीन फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है। यहाँ पे 1/2 तो कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 को हमने वैसे का वैसे लिखा। ए बी और साइन थीटा तीनों का डेरिवेटिव हम इस तरह से लेते हैं कि पहले दो टर्म्स को वैसे का वैसे लिख देते हैं, ठीक है जी, पहले दो टर्म्स वैसे के वैसे लिख देते हैं, और तीसरी टर्म का लेते हैं डेरिवेटिव, तो तीसरी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी, फिर लिखते हैं हम लोग प्लस लिखते हैं, प्लस लिखने के बाद फिर हम लोग अगली दोनों टर्म्स को वैसे के वैसे लिख लेते हैं, यानी कि बी साइन थीटा वैसे का वैसे लिखते हैं, पहली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो पहली टर्म का डेरिवेटिव आएगा डी ए बाय डी टी, फिर हम लोग प्लस लिखते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं पहली और तीसरी वैसे का वैसे लिखते हैं, पहली और तीसरी वैसे की वैसे लिखते हैं, सेकंड वाले का लेते हैं डेरिवेटिव, तो बनेगा डी बी बाय डी टी। अब 1/2 को सबके साथ करवा देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा सी पार्ट का, तो ये बनेगा आपके पास डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू 1/2 ab cos थीटा डी थीटा बाय डी टी 1/2 ab कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी प्लस 1/2 b साइन थीटा डी ए बाय डी टी 1/2 b साइन थीटा डी ए बाय डी टी, उसके बाद प्लस 1/2 a साइन थीटा डी बी बाय डी टी 1/2 a साइन थीटा डी बी बाय डी टी, दिस इज दी फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 का। ए पार्ट भी कर लिया, बी भी कर लिया, सी भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 करने से पहले हम 19 के इसके आंसर चेक करते हैं। आंसर है जी 1/2 ab cos थीटा डी थीटा बाय डी टी, उसके बाद हमारे पास प्लस 1/2 b साइन थीटा डी ए बाय डी टी ए साइन थीटा डी बी बाय डी टी, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 20 की। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्लास में शेयर लाजमी किया करें, तो अच्छी चीज को शेयर करना सदके में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखें जी, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है हीटिंग अ प्लेट, एक प्लेट को हीट दे रहे हैं, ना सर्कुलर प्लेट ऑफ मेटल इज हीटेड इन एन ओवन, किसी ओवन में किसी सर्कुलर प्लेट को मेटल की प्लेट को हीट दे रहे हैं, वो सर्कुलर प्लेट यानी कि गोल 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 प्लेट है, प्लेट वैसे गोल ही होती है आई थिंक। इट्स रेडियस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर पर मिनट, कहता है उसको हीट देने से क्या हो रहा है कि उसके रेडियस में तब्दीली आ रही है, उसका रेडियस बढ़ है, कितना बढ़ है 0.01 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट रेट इज द प्लेट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 50 सेंटीमीटर, कहता है अगर उसका रेडियस यानी कि उसका आर
50 सेंटीमीटर होगा तो उसके एरिया में कितनी तब्दीली आएगी, वो कितना इंक्रीज होगा। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर कर देना है, छोटे से एरिया में इसको कवर कर देना है। तो देखें, एक सर्कुलर प्लेट की बात कर रहे हैं, इनके गोल चक्कर की बात कर, गोल दायरे की बात कर रहे हैं। तो दायरे का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, हम फार्मूला जानते हैं, हमारे पास होता है जी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, पाई आर स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है, उसने आपको दिया हुआ है जी, उसके जो रेडियस में चेंज आ रहा है, यानी कि डी आर बाई डी टी, वो आर है जी 0.01 सेंटीमीटर का, उसको भी यहाँ पुट करेंगे, सिंपल हम करते हैं, चेक करते हैं जी। उसने दिया हुआ जी आपको ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गोल दायरा उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। कहता जी उसके रेडियस में तब्दीली आ रही है डी आर बाई डी टी 0.01, 0.01 नहीं है, चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड, जी 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये उसके अंदर तब्दीली आ रही है। कहता है अगर उसका रेडियस है जी आपके पास 50 सेंटीमीटर, तो उसके एरिया में तब्दीली फाइंड करें। सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका हम लोग लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये बनेगा डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू 2πr, r का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो डी आर बाय डी टी बन जाएगा, ठीक है जी। हम इसमें तब्दीली फाइंड कर इसका डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया 2, पीछे आ गया 2πr, r का अगेन डेरिवेटिव लिया डी आर बाय डी टी बन गया। अब यहाँ पे आप लोग निकाल r की जगह पे 50 पुट करें, डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू 2πr, r की जगह पे 50 पुट करते हैं, डी आर बाय डी टी आपके पास है 0.01, तो 0.01 को आप लोग 1/100 भी लिख सकते हैं, 1/100। 1/100 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग अशारिया यानी कि पॉइंट को खत्म करते हैं तो ऊपर 1 है, तो 1/ ये अशारिया के बाद आपके पास दो हिंसे हैं तो नीचे 100 आएगा, ठीक है जी। ये हमने इसका पॉइंट खत्म किया, 1/100 यहाँ पे आ चुका, तो ये बनेगा डी ए बाय डी टी विच इज इक्वल टू 50 को कैंसिल करेंगे तो 52/100, ये 2 से कैंसिल, ये आ गया जी पाई, पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। देख लेते हैं क्या हमारे पास यही आंसर है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेकंड ये मिनट है, मिनट की बात कर रहे हैं जी, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने फाइनल आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का, बहुत ही सिंपल था, शॉर्ट था, इजी था। यहाँ पे मिनट इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे भी मिनट है, यहाँ पे मैंने गलती सेकंड लिख दिया, यहाँ पे भी आपके पास इसका यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट, तो इसका यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर पर मिनट, इसलिए इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ये था आज का हमारे पास लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अपना भी ख्याल रखा करें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।